अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। मैं हूँ तहमीना वकील, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आज मैं थर्ड लेक्चर के साथ आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस के बारे में बताऊंगी। लास्ट लेक्चर्स में हमने शैप कॉन्सेप्ट पढ़ा था। शैप कॉन्सेप्ट इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और उसकी भी डिफरेंट एप्लीकेशन देखी थी। चूँकि ये जो आपका टोटल चैप्टर है, इट इज़ ऑल अबाउट द एसिड एंड बेसिस इक्विलिब्रिया, ठीक है। तो इसमें अब तक हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, दैट इज़ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, लॉरे-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से एसिड और बेसिस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, दैट इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ है इसकी हम बात करें, तो स्ट्रेंथ क्या होती है आपके पास? स्ट्रेंथ इज़ द हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक द एसिड और बेस इज, ठीक है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है टू डिस्क्राइब द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, इट इज़ लॉरे-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। अगर हम रिकॉल करें लॉरे-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट को, तो लॉरे-ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो स्पीशी है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। मतलब कोई भी ऐसी स्पीशी ड्यूरिंग रिएक्शन जो प्रोटॉन को डोनेट करे, यानी उसके अपने अंदर प्रोटॉन हो और वो प्रोटॉन दे दे, उसे कहते हैं एसिड। बेस की अगर हम बात करें, तो बेस वो स्पीशी है ड्यूरिंग रिएक्शन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। सो प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले लॉरे-ब्रोंस्टेड ने दिया था, ठीक है। ये आपके पास जो है वो लॉरे-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रोटॉन क्या है, इट इज़ एसिड या प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या है, इट इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। नाउ हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें देखें एच ए आपके पास क्या है इस रिएक्शन में, एच ए ये आपके पास है एसिड, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। अगर आप यहाँ पे होल करें तो एच ए प्रोटॉन दे रहा है, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए नेगेटिव आयन। अब देखिए, इसने प्रोटॉन दिया है तो ये आपके पास क्या है, एसिड है, जबकि वाटर, इसने प्रोटॉन लिया है, इट एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कन्वर्टेड इनटू H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो वाटर आपके पास क्या होगा, इट विल बी अ बेस, ठीक है। तो आपके पास इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, इन विच एच ए इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस। अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें, तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव एंड A आयन नेगेटिव, दीज आर द प्रोडक्ट्स, तो ये ऊपर आएंगी, और HA एंड वाटर ये रिएक्टेंट्स हैं, तो ये आपके पास नीचे आएंगे। तो ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है K का, इट इज़ फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब अगर हम बात करते हैं
इस रिएक्शन में वाटर की, वाटर इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, तो इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही लार्ज है और ड्यूरिंग रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम वाटर को क्या करेंगे, हम इसको इस रिएक्शन में, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, इस वाटर को हम के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास के और वाटर एक प्रोडक्ट के इक्वल आ गई हैं, विच इज़ इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, A9 कंसंट्रेशन ओवर एसिड कंसंट्रेशन। अब चूंकि ये दो आपके पास के एंड वाटर, दीज टू आर कॉन्स्टेंट्स, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से आपके पास एक न्यू कॉन्स्टेंट अराइज होता है विच इज़ के ए। अब के ए हमारे पास क्या है, के ए इट इज़ एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, मतलब कि के ए से हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर के की वैल्यू लार्ज है देन द एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ़ के ए हैज़ अ स्मॉलर वैल्यू देन द एसिड विल बी वीक। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ, जो हमने स्टार्ट में बात की रिलेटिव स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए जो के ए है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब अगर आपके पास दो एसिड्स हैं जो इक्विलिब्रियम में हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे आपका एक इक्विलिब्रियम देखूँ तो ये आपका एक इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट, कोई भी वो स्पीशी जो प्रोटॉन डोनेट कर सके वो एसिड होती है। अब अगर हम इस थेरी के अकॉर्डिंग चेक करें तो हमारे पास एच ए, बिकॉज इस इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, सो इट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड। ठीक है, ये जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू A9। अब A9 चूँकि प्रोटॉन ले लेगा दोबारा से इस रिएक्शन से, तो वो एच ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एसिड है और इस एसिड से जो बेस बन रही है इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब आ जाएं वाटर पे। वाटर जो है इस केस में चूंकि एच ए से प्रोटॉन ले रहा है, ठीक है, प्रोटॉन एच ए से वाटर की तरफ जा रहा है, सो वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, और ये बेस जब प्रोटॉन ले लेती है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन दे सकता है, जो प्रोटॉन आपका ट्रांसफ़र होगा टूवर्ड्स A9 और ये रिएक्शन मूव करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो आपके पास ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक एसिड है विच इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट आपके पास दो तरह के पेयर बनते हैं। ठीक है, एक इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड के साथ और एक इस एसिड का इस कॉन्जुगेट बेस के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास दो ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे से प्रोटॉन के हिसाब से डिफ़र कर रहे हैं। प्रोटॉन के हिसाब से कैसे डिफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास एच ए और A9। ठीक है, एच ए एंड A9 अगर हम इन दोनों का देखें तो इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पेयर है आपके पास वाटर
तो दूसरा आपके पास कौन सा है, वाटर और हाइड्रोनियम आयन, और इन दोनों में भी किस चीज़ का फ़र्क है, एक प्रोटॉन का। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बात बताई रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से दो एसिड्स हैं जो इक्विलिब्रियम में हैं, एक है एच ए और एक है आपके पास एच थ्री ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों की के ए की वैल्यू से हम इन दोनों एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही वीक होगी, और जितनी कोई बेस स्ट्रॉन्ग होगी उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होगा। जिस तरह अभी हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे आपके पास एच ए है और ए नाइन है, अगर ये एच ए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इस केस में ये जो इसकी ए नाइन बनी है ये वीक होगी, ठीक है। और जो बेस वाटर, चूँकि हमें पता है वीक बेस होती है, चूँकि ये बेस वीक है तो जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बना है वो स्ट्रॉन्ग बना है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज अ बेस, वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। इसके लिए आपके पास एक और रिलेशनशिप आ जाता है, पी के ए इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है। अब पी के ए ऐसी वैल्यू है जो रीडेबल नहीं होती, क्योंकि माइनस टर्म्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में होती है, तो हम इसका माइनस लॉग ले लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इन द सेंस आपके पास के ए की वैल्यू ज़्यादा थी तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, बट इफ़ यू हैच लार्ज पी के ए देन द एसिड विल बी वीक, एंड इफ़ यू हैव अ स्मॉल वैल्यू ऑफ पी के ए देन द एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम HCl एंड नाइट्रिक एसिड से। HCl की के ए की वैल्यू है 10^7, लार्ज वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड की के ए की वैल्यू है 10^3, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास पी के ए की वैल्यूज़ आएंगी, जो कि 10^7 के लिए है -7 और 10^3 के लिए है -3। अब अगर आप इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतना वीक एसिड है, और जितनी कम वैल्यू है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो -7 की स्मॉल माइनस में आ रहा है ना, तो वो स्मॉल है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो -7 स्मॉल वैल्यू, तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इन दिस केस द एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग। और दूसरा आपके पास क्या है, -3, -7 के मुकाबले में -3 इज़ लार्ज वैल्यू, सो दिस इज़ अ वीक एसिड। तो हम इस तरह से इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये हमने बात देखी थी अब तक स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स की वाटर में। अब यहाँ पे देखें, एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया, सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में आप किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ मेजर कर रहे होते हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है इन अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के अंदर ये रिएक्शन किया गया है, आपके पास है हाइड्रोनियम आयन, इट डिसॉल्व्स इन अमोनिया। हाइड्रोनियम आयन इज़ एक्टिंग एज एन एसिड, अमोनिया इज़ एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो अपना प्रोटॉन देगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। अमोनिया इट टेक्स प्रोटॉन एंड कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन। अब इस केस में वाटर नहीं है बल्कि अमोनिया है। अगर हम वाटर के मुकाबले में देखें तो अमोनिया की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है प्रोटॉन के लिए देन वाटर, सो अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस।
तो अगर कोई भी एसिड ऐसा है, चूँकि ये वीक ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी ये प्रोटॉन डोनेशन की एबिलिटी को भी बढ़ा देगी एसिड की। तो अगर आपके पास एसिड की स्ट्रेंथ वाटर में वीक है और आप वाटर की बजाय अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हो, देन द स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन अमोनिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि कोई भी जो सॉल्वेंट है वो किसी भी प्रोटोनिक एसिड की स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन में एक लिमिटेशन हो सकता है। अब अगर हम वाटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो कोई भी बेस OH से ज़्यादा बेसिक नहीं है और कोई भी एसिड H3O पॉजिटिव से ज़्यादा एसिडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो सेल्फ आयनाइजेशन पे OH और प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। ये मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है जो वाटर आयनाइजेशन पे प्रोड्यूस होते हैं। तो वाटर में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सी बेस है जो OH प्रोड्यूस करे, और सबसे ज़्यादा कौन सा एसिडिक एसिड कौन है जो कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये फोर यहाँ पे एसिड्स हैं, ठीक है, एक आपके पास है परक्लोरिक एसिड, एक आपके पास है HCl, एक आपके पास है नाइट्रिक एसिड, एक आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे के सारे प्रोटोनिक एसिड्स हैं। इन सब की अगर हम वाटर में मेजर करते हैं pKa वैल्यू, तो वो सब की सब क्लोज है, एक ही जैसी है, ड्यू टू द लेवलिंग ऑफ देयर स्ट्रेंथ टू H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्योंकि कोई भी एसिड वाटर में इससे ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकता। तो चाहे जितनी मर्जी इनकी स्ट्रेंथ हो, ये सब के सब अपने आप को लेवल करेंगे इन कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ H3O पॉजिटिव। तो ये इफ़ेक्ट जिसके थ्रू हम ये कहते हैं कि कोई भी जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन से ज़्यादा एसिडिक नहीं है, और जो सॉल्वेंट है वो उस स्ट्रेंथ को लेवल कर लेता है। दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड एज लेवलिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, अब अगर हमने किसी भी एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर करनी है, तो हम किसी एक एसिड में उसको डिटरमिनेंट नहीं करेंगे, सॉरी किसी एक सॉल्वेंट में उसको मेजर नहीं करेंगे, उसके लिए हम उसको डिसॉल्व करेंगे इन सम एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स। ठीक है, और वो एनहाइड्रस सॉल्वेंट में हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं एसिडिक एसिड को। ठीक है, अगर हम एसिडिक एसिड को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं और इन तमाम एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं, तो देखा ये गया कि एसिडिक एसिड यूज़ करने से देयर इज़ अ ग्रेडेशन इन देयर कंडक्टिविटी फ्रॉम परक्लोरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड। मतलब एसिडिक एसिड, अब देखें कंडक्टिविटी किस चीज़ से रिलेटेड है, कितना कोई ज़्यादा प्रोटॉन देगा। जो एसिड ज़्यादा प्रोटॉन देगा उसके आयन ज़्यादा बनेंगे और उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो जो परक्लोरिक एसिड है इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी अप टू नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपका एसिडिक एसिड है इट इज़ एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ठीक है, वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। वो इस तरह से डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है कि ये जो तमाम की तमाम एसिड जिनको हमने कहा कि देयर pKa इज क्लोज टू वाटर ड्यू टू द लेवलिंग, इन सब की pKa वैल्यूज चेंज आई, इनकी कंडक्टिविटी चेंज आई, और यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न आया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का, जिसमें के परक्लोरिक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और नाइट्रिक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे कम है। सिमिलर इज़ द केस विद द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। जैसा हमने एसिड्स के लिए कहा कि तमाम जो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम देख सकते हैं, और उसमें अगेन हमारे पास वाटर जो है वो लेवल कर रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को। तो हमने फिर एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट यूज़ किया जो सम एनहाइड्रस था,
एसिटिक एसिड जिसकी कंडक्टिविटी बेसिस पे हमने एसिड की स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं इट प्रोड्यूस सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अगेन देखिए वाटर की प्रेजेंस की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा था नो बेस इज मोर बेसिक देन OH, अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है OH, तो कोई भी बेस OH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती व्हेन यू आर यूजिंग वाटर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है NH2, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमोनिया और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे वाटर जो है वो लेवलिंग सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है फॉर ऑल द बेसिस, ठीक है। और कोई भी बेस जो स्ट्रॉन्गर देन OH होगी उसको हम इस इफ़ेक्ट के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो आपने लिमिटेशन की बात की, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए ही नहीं है। अगर आप अमोनिया को अमोनिया में ही डिसॉल्व करते हैं देन इट विल प्रोड्यूस्ड अमोनियम आयन एंड एमाइड आयन। अब इस केस में वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस एंड वन इज एक्टिंग एज एन एसिड, ठीक है। तो आपके पास अमोनियम आयन और एमाइड आयन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। अब इस केस में भी आपके पास ये फॉर एग्जांपल एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल एज ए बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये फिर एज अ कॉन्जुगेट एसिड एक्ट कर रहा है और ये आपके पास एज अ कॉन्जुगेट बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो दो पेयर बनते हैं एसिड का कॉन्जुगेट बेस के साथ और बेस का कॉन्जुगेट एसिड के साथ, विच आर डिफर बाई अ प्रोटॉन। अब इस केस में भी कोई भी बेस अमोनिया में एमाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती और कोई भी एसिड अमोनियम आयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो ये जो लेवलिंग इफ़ेक्ट है ये आपके पास किसी भी सॉल्वेंट का एक्चुअली इफ़ेक्ट है जो लेवल कर देता है स्ट्रेंथ को केटाइन्स और एनाइन्स पे, ठीक है। जिस तरह हमने अमोनिया को देखा कि अमोनिया के केस में अमोनियम से कोई ज़्यादा एसिडिक नहीं है और एमाइड से ज़्यादा कोई बेसिक नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास थी रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसको हम डिटरमिन करते हैं थ्रू अप्लाई द लॉरी ब्रॉस्टन कॉन्सेप्ट, जिसमें एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर बनता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड के साथ पेयर बनता है, और फिर हम उसको उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं कि किस तरह से वो लेवल हो जाती हैं इन अ सर्टेन सॉल्वेंट, और किस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, लाइक हमने एसिड का डिटरमिन किया था इन केस ऑफ एसिड्स, जिसमें डिफरेंट एसिड्स की कंडक्टिविटीज चेंज हो गई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, होप सो कि आपको सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी मसला हो, देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।